हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल और आज की इसमें बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के बारे में। पहला मुकाबला सरप्राइजिंगली बांग्लादेश ने जीता था, अब 1-0 से सीरीज को लीड कर रहे हैं। इस दूसरे मैच की बात करेंगे, मैच का प्रीव्यू करेंगे, प्रेडिक्शन करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको फन एडेट के बारे में बताना चाहूंगा। फन एडेट बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर साइट है, जहां आप अपनी क्रिकेट की नॉलेज की मदद से पैसे जीत सकते हो। यहां पे आप मैच में कितने रन बनेंगे, जैसे 10 ओवर में, 15 ओवर में, 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, ये सब प्रेडिक्शन कर सकते हो। इसके अलावा मैच कौन जीतेगा, ऐसे प्रेडिक्शन करके आप यहां पे पैसे जीत सकते हो। यहां पे आपको स्पोर्ट्स एक्सचेंज भी देखने को मिलता है, यहां पे आप फोन पे, पेटीएम, यूपीआई से पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। आपको बता दूं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर और लीगल साइट है। डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया है, जल्दी से रजिस्टर कीजिए और जीतिए। तो पहले टी20 में बांग्लादेश ने सभी को हैरान करते हुए जीत पाई। शुरुआत में लगा नहीं था बांग्लादेश जीत पाएगी, इंग्लैंड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग शुरुआत मिली थी। पहला विकेट निकालने में ही बांग्लादेश को 10 ओवर लग गए। 10वें ओवर की आखिर गेंद पर बांग्लादेश को पहला विकेट मिला था, और उसके बाद बांग्लादेश लगातार विकेट चटकाता ही गया। इंग्लैंड के बैटिंग में हमें एक बहुत बुरा कोलैप्स देखने को मिला। आखिर के 10 ओवर में बांग्लादेश के सभी बॉलर्स ने बढ़िया बॉलिंग की, उसके बाद बांग्लादेश ने बॉलिंग में काफी अच्छा कमबैक किया और इंग्लैंड को एक एवरेज से 156 के स्कोर पर रोक दिया। टारगेट चेस करने जो बांग्लादेश आई तो लितन दास और रोनित तालुकदार ने टीम को अच्छी शुरुआत तो प्रोवाइड जरूर की, पर दोनों का ही जब विकेट गिरा तब उसके बाद लगा कि फिर से बांग्लादेश के लिए ये मैच मुश्किल हो सकता है, बांग्लादेश के लिए मैच फंस सकता है। और उसके बाद हमें तारीफ करनी पड़ेगी नजमुल हुसैन शांतू की, जिन्होंने एक बहुत ही ज्यादा सेंसिबल इनिंग खेली। 50 रन उन्होंने लगाए, 50 लगाई तो हुई हृदय के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की, और शाकिब अल हसन के साथ उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप की। शाकिब अल हसन एंड तक बने हुए थे और बांग्लादेश ने 2 ओवर रहते ही टारगेट को चेस कर दिया और मैच को अपने नाम कर लिया। शांतो जिस तरह के फॉर्म में है, ओडीआई सीरीज में भी उन्होंने रन बनाए थे और पहले टी20 में भी उन्होंने 50 लगाया है, तो ड्रीम इलेवन के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होंगे। शाकिब अल हसन का भी बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ही फॉर्म काफी बढ़िया चल रहा है, तो वो दोनों ही डिपार्टमेंट में आपको पॉइंट्स कमा कर दे सकते हैं, तो उन्हें भी अपनी ड्रीम इलेवन टीम में जरूर से रखिए। लितन दास भी एक काफी अच्छे ऑप्शन होंगे, थोड़े से रिस्की हो सकते हैं पर मुझे लग रहा है कि इस मैच में वो रन बनाएंगे। पहले टी20 में इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग में तो सब कुछ जॉश बटलर ही थे, बटलर की पारी बहुत जबरदस्त थी। फिल साल्ट को भी शुरुआत तो मिली थी, रन उन्होंने बनाए थे पर उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा कम था। बेन डकेट को भी स्टार्ट मिला पर वो जब आउट हुए और बटलर जब आउट हुए तो उसके बाद तो फिर इंग्लैंड की पारी पत्तों की तरह गिरने लगी। उसके बाद मोइन अली के ऊपर मुझे लगा था उम्मीद थी, मोइन अली इस बैटिंग ऑर्डर में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, पर वो इस तरीके के बढ़िया फॉर्म में अभी चल नहीं रहे हैं। वैसे हम इंग्लैंड की टीम को उनके लॉन्ग बैटिंग ऑर्डर के लिए जानते हैं, इंग्लैंड की बैटिंग के डेप्थ की सभी जो है तारीफ करते हैं, पर इस सीरीज में उनके जो सारे खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है, बैटिंग में उतनी ज्यादा डेप्थ नजर नहीं आती। बॉलिंग में भी जोफ्रा आर्चर एक्सपेंसिव रहे थे, मार्क वुड भी काफी एक्सपेंसिव रहे थे। मोइन अली ने बॉलिंग में जरूर बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, पर उनसे टीम को बैटिंग में रनों की जरूरत रहेगी। मिडिल ऑर्डर में और लोअर मिडिल ऑर्डर में दूसरा कोई एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है। फिल साल्ट की भी ओडीआई सीरीज बहुत ज्यादा बुरी रही थी और ये पहला टी20 भी उनका कुछ खास नहीं रहा है, तो उनके पर्सनल लेवल पर भी उन्हें अगर टीम में अपनी जगह बनाए रखनी है तो उन्हें रनों की जरूरत रहेगी। इंग्लैंड की तरफ से जॉश बटलर ड्रीम इलेवन के लिए एक ऑब्वियस पिक होंगे। इसके अलावा मोइन अली से भी मुझे इस मैच में रनों की और विकेट्स की उम्मीद है। ढाका के ऊपर मैच होगा, उसके आगे बात करेंगे, वहाँ पे स्पिन के लिए फ्रेंडली कंडीशंस भी होगी। खैर उसके आगे बात करेंगे। फिल साल्ट भी एक रिस्की पिक होंगे पर मुझे लगा इस मैच में कुछ धमाका कर सकते हैं, तो उनके साथ भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन के तौर पर जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया, ये मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेला जाने वाला है। पिच यहाँ पे जनरली स्पिनर्स को असिस्ट करती है, उतना ज्यादा बाउंस और यहाँ पे पेस नहीं होती पिच में। स्पिनर्स के लिए बढ़िया पिच होती है, आदिल रशीद, मोइन अली, शाकिब अल हसन, मेहदी हसन, ये सब इस मैच में ड्रीम इलेवन के लिए काफी अच्छे ऑप्शन होंगे। एक्सपेक्टेड स्कोर की बात की जाए तो ये मुकाबला भी ज्यादा हाई स्कोर एक्सपेक्ट मत कीजिए, 150-160 के आसपास का ही मुकाबला रहेगा। मिडिल ओवर्स में टीमों के कोलैप्स करने का यहाँ पे काफी अच्छा खासा चांस होगा। मैच प्रेडिक्शन की बात की जाए तो पहला मुकाबला इंग्लैंड ने हारा है, मुझे लगता है ये मुकाबला इंग्लैंड हारेगी। मेरे ख्याल से इस मैच में इंग्लैंड जीतेंगे और सीरीज को लेवल करेंगे। अब अपनी राय जरूर से कमेंट्स में बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।